बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स भी क्या करें, और जो कुछ आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। इस हवाले से आपको जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो पूछा ज़रूर करें। वीडियो देखने से पहले अहम दरख्वास्त है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस को भी लाइक करें और कमेंट्स करें, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खे पर अमल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी का अच्छा सोचना करना भी सवाब है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करिए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को सुना करें, आप लोग सिर्फ देखते हैं इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आती। सुनने से आपको ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जिसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, लिहाजा सुनने के बाद जो समझ ना आए मुझसे पूछा करें। पूछने से आपकी भी जो होंगी वो गलतियाँ दूर हो जाए करेंगी। तो मैं अपने आप टॉपिक पर जाऊंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बुर्ज अपनी ज़िंदगी के बारे में। जान लें कि क्या है उनकी ज़िंदगी, अपनी शख्सियत निखारिए, खुद को पहचानिए और अपनी ज़िंदगी के बारे में जानिए। बुनियादी हकाइक और मालूमात मैं आपको दूंगी। बुर्ज ज़ोजा मसविर ईजाद करने वाला और दायरतुल बुर्ज में शमशी नाम बुर्ज ज़ोजा दायरतुल बुर्ज में ये इस तरह से खुशकिस्मती का अदद 5 14 23 32 41 50। खुशकिस्मती का दिन बुध, खुशकिस्मती का रंग जर्द माल्टा सब्ज माइल जर्दा और खुशकिस्मती का फूल अजमूद आयरस और खुशकिस्मती का पत्थर पखराज जमरूद और खुशबख्ती का नक्श चांदी है। ठीक है, तो शख्सियत का मुख्तसर जायजा। मुतहरिक और हम गीत जोजा अफराद, हम जीत और दूसरी शख्सियत के मालिक निशान, दो जुड़वा बच्चों की वजह से बेक वक्त कई दिलचस्पियों के हामिल, मेहनती और बाअमल लोग होते हैं। मर्द बेहद ज़हीन, तख्लीकी और अख्तराई कुव्वतें रखने वाले, हसास तन्हाई पसंद, घेरे जज्बात के मालिक, मुतजस्सिस, बेहद मसरूफियत पसंद, वक्त ज़ाया करना गुनाह के मुतदारिफ, क्या वक्त हाथ नहीं आता नहीं पर अमल करने वाले, मसरूफियत ज़िंदगी का असल मकसद और फुरसत के औकात रंगीन अंदाज में बसर करने वाले, दिल में उमंगों को जन्म देने वाले, ख्वाहिश की तकमील के लिए ऐसे साथी की तलाश जो इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चल सके और इनका मुकम्मल साथ दे सके, फजूल साथी से बोरियत महसूस करने वाले, मुखलिस दिलकश और खलीक शख्सियत की बिना पर महफिलों की जान, हर कदम सोच समझ कर उठाने वाले, रोशन पहलुओं को मद्देनजर रखने वाले, सैरो सिहायत के शौकीन, सफ़र के आदि, फ्लर्ट जो होता है फ्लर्ट अक्सरों से ज़्यादा इश्क करने वाले, बाज़ औक़ात अपने असूलों से मुतर्रिक वाले, दोस्तों से जल्द उकता जाने वाले, एक मिनट में अपनी राय तब्दील करने वाले, फैशनेबल और तनहादार किस्म की औरतों को पसंद करने वाले, लम्हा ब लम्हा मूड बदलने वाले, दोहरे किरदार दोहरी ज़हनियत का मालिक, तगैयुर पसंद, जल्दबाजी और तगैयुर पसंदी इनकी असल कमजोरी, उकताहट पसंद, टिककर एक जगह काम ना करने वाले, आसाबी बोझ वाले, कामों से भागने वाले, तवालत वाले, झगड़े से परहेज, परेशानी और बीमारी मोल लेने वाले, खुदगर्ज मंतक के चक्कर में दूसरों के जज्बात को कुचल देने वाले, दूसरों के मशवरों से जल्द भड़क जाने वाले और इसके अलावा तख्लीकी औरत अगर होती है तो तख्लीकी कुव्वत की हामिल और इसकी बदौलत माली फवाइद हासिल करने वाली, हर किस्म के चैलेंजेस को कबूल करने वाली, मुश्किलात का खंदा पेशानी से मुकाबला करने वाली और इनका हल सोचकर इन पर काबू पाने वाली, अपने काम से पूरा इंसाफ करने वाली, दिमागी काम तेजी से करने वाली, हर मसले पर गौर फिक्र करने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने वाली, मेहनती खुशहाली की बरकरारी के लिए सख्त जद्दोजहद करने वाली, बनाव सिंगार
लिबास की तराश और खराश और फैशन की बेहद शौकीन, जिंदा दिल, खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत की हामिल, मुख्तलिफ तजर्बात और मनसूबे में मगन रहने वाली, तराफत मजा बदला संगी और नुक्ता अफरीनी में अपनी मिसाल आप, इंतहाई एहसास और ज़हनी तौर पर हर वक्त पाबा रकाब, जज्बात पर कंट्रोल और अजलत और जल्दबाजी का मुजाहिरा करने वाली, बच्चों की तालीम और तरबियत और निगहदाश्त पर पूरी तवज्जो देने से काफिर, हर वक्त मुख्तलिफ कामों में खोई देने वाली, सीमा भी और मुतहरिक तबीयत के हाथों नुकसान उठाने वाली, अपनी मर्जी के कामों दूसरों की मुदाखलत नापसंद करने वाली, गैर रवायती अंदाज फिखर रखने वाली और नुकता चीनी से घबरा जाने वाली, अपने इरादों को बड़ी तेजी से बदलने वाली, अदम और इस्तक़रार और मसरूर निजामी का शिकार, मुसब्बत पहलू ज़हनी रक्षुंदगी, सिफारती बशानी, जज्बा देर की बशानी, ज़हीन और अगरा मुनफी पहलू, बजब सुस्त और पसंद मैगजीन, मौसीकी किताबें, मौसीकी और एक जैसी जिंदगी में तनहा रह जाना, मोहब्बत और अजवाजी जिंदगी, बोझ दोजा से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मालूम करते हाथ फेफड़ों और आसाबी निजाम से निकलने का मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इन अफराद को जिस्म के बलाई हिस्सों को चोट लगने, आसाबी दबाव का शिकार हो जाने और सीने के अमराज से बचाव के लिए खूबसूरती एहतियात से काम लेना चाहिए। ये लोग गैर जरूरी खतरा मोड़ लेते हैं और ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाद अवकात बहुत ज़्यादा खुशी भी इनके लिए नुकसानदार साबित होती है। और इसके अलावा मोहब्बत और अजवाजी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हमेशा ज़हनी आजमाइशों से गबर आजमा होने के लिए तैयार रहते हैं और रूहानी तौर पर मोहब्बत करने वाले होते हैं। जोजा अफराद इंतहाई दिल फेंक होते हैं, साथ साथ वो निगहदाश्त करने वाले भी होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मोहब्बत की फेंकें बढ़ाते हैं जब तक इन्हें सच्चा प्यार ना मिल जाए या इनका जीवन साथी इन्हीं के जैसा ज़हीन और बोलचाल में माहिर होना चाहिए। और जब एक मरतबा इन्हें इनका मनपसंद जीवन साथी मिल जाए तो फिर ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्त अहबाब और रेले खाना, ये लोग मिलनसार होते हैं और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ वक्त गुजार के खुशी महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात ये लोग घर से बाहर रहकर खेल कूद में हिस्सा लेते हैं और बाज़ औक़ात घर में अकेले ही खेल रहे होते हैं। दोनों सूरतों पर लोग ना सिर्फ खुद खुश रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी का बाइस बनते हैं। दूसरों की बातचीत और बोलने के अंदाज को ये लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो से देखते हैं। जो लोग इनके हमपल्ला ज़हीन हो और अनवा इकसाम की चीज़ों को पसंद करते हो इनके दोस्त बन सकते हैं। ये लोग बोल चाल से दूसरों के दिल का हाल भाप लेते हैं। अगर इनसे घुमा फिरा कर बात की जाए तो बहुत जल्द मुंतफर हो जाते हैं और इनके लिए इनके एहले खाना बहुत अहम होते हैं। इनके ज़्यादातर दोस्त इनके ख़ानदान से होते हैं और इनके साथ वक्त गुजारने में राहत महसूस करते हैं और घर वालों की तरफ से सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों अगरचे इनके लिए बाइस आजमाइश होती है लेकिन ये बेहद सूरत इन्हें पूरा कर लेते हैं। कारोबार और दौलत, जोधा अफराद के लिए ज़्यादा मौजू वो काम है जिनमें अकल और दानिश का ज़्यादा इस्तेमाल हो। मैं सोचती हूँ इस बोझ का बुनियादी मकतूला है ये लोग अमूमी तौर पर आला तालीमी याफ्ता और इसके अलावा मौजूद होते हैं। ऐसे कामों के लिए ज़्यादा दिलचस्पी होती है जो आजमाइशात से भरपूर हों और जो है भरपूर हों और मुतहरिक रखने वाला हो, वरना दूसरी सूरत में वो बोरियत का शिकार हो जाते हैं। बेहैसियत उस्ताद, मुजाकरा करने वाला, रिपोर्टर, मुसल्लिफ, मुबल्लिग और वकील, ये लोग कामयाब साबित होते हैं। कोई भी ऐसा शोबा हाई ज़िंदगी जिसमें इन्हें बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले इनके लिए मुनासिब साबित होता है और वो अच्छे दुकानदार भी साबित होते हैं। नए नए ख्याल, तस्वुरात और मसाइल के हल में भी ये अफराद पेश होते हैं। बुर्जे जोधा जो होते हैं, बुर्जे जोधा से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए अमलियात पसंदी और लुत्फानंदोजी में किसी से एक का इंतखाब करना इंतहाई मुश्किल काम है। रकम के हसूल में वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि इनका जरिया आमदनी क्या है, वो अपनी जमा पूंजी का ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखते हैं। और मेरी ये जो वीडियो है इसको आप देखें, सुने, अपने बारे में जानिए और ताकि आपको पता चल सके। और जिसने मेरी वीडियो की कॉपी करने की कोशिश की तो उसको कॉपीराइट क्लेम कर दिया जाएगा।
ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर भी करें दूसरों के साथ। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।